थमागणी केम छो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू इस गैजेट का। दिस इज कोडैक T210 ट्रायपॉड एंड ये मुझे मिला है फ्लिपकार्ट से 999 रुपीज में। मैंने इसे बाय किया है, सो भाई 1000 रुपये में 1 रुपया कम। तो क्या ये ट्रायपॉड अंडर 1000 रुपीज के बजट में, क्या ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रायपॉड्स हो सकता है? हम ये चेक करेंगे इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू में, मतलब इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये पैकेट ओपन करके बता देता हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट से कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड चलो इसे पहले ओपन कर देते हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा कटर, अब इसको हम ओपन करते हैं। सो दिस इज फाइनली व्हाट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स। एंड भाई ये जो फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग थी, अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें तो पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया थी। जो पैकेजिंग है उसमें जो कवर जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी मोटा है, तो इन शॉर्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी मिसहैंडलिंग भी हो जाती है तो इसको कोई दिक्कत ना आए, इतना तो काफ़ी अच्छा इंसुलेटेड पैकेजिंग है। सो दैट इज समथिंग अबाउट पैकेजिंग। अब हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको इसका पूरा रिव्यू बता देता हूँ। ओके, तो अब ये है ये ट्राइपॉड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स के फ्रंट में यहाँ पे आपको कोडैक का लोगो मिल जाता है। दिस इज कोडैक का T210 ट्राइपॉड एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे लिखा है दैट इट इज़ अ लाइट वेट ट्राइपॉड। फिर इस तरफ हमें पूरा ब्लैंक मिल जाता है, सिर्फ डिज़ाइन दी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है जैसे कि इसकी जो लेंथ है डैट इज़ 150 सेंटीमीटर्स एंड 59.05 इंचेस। सो ये ऑलमोस्ट ये 5 फीट के ऊपर तक इसकी हाइट होती है जब आप इसे पूरा ओपन करके यूज़ करोगे। तो इसमें हमें 3-वे पैन मूवमेंट मिल जाता है, ये क्या चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा रिव्यू के टाइम पे। यहाँ पे हमें 3-सेक्शन सपोर्ट मिलता है एंड ये है स्मार्टफोन होल्डर। तो भाई यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर ही आपके मोबाइल फ़ोन का जो होल्डर है वो आपको इसमें मिल जाता है। काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स में ये नहीं मिलता, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। एंड फिर यहाँ पे बाकी इसके थोड़े बहुत जो फीचर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसका जो वेट है ये ट्राइपॉड का, ये है 1 kg एंड ये अप टू 3.5 kg तक का वेट ये आराम से हैंडल कर सकता है। तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है या DSLR है जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये 3.5 kg तक तो ये आराम से आपको सपोर्ट कर देगा। चलो अब हम इसे ओपन कर देते हैं। सो अब अंदर से ये इस तरीके के कवर में मिलता है, ये आप देख सकते हो। इसको आप आराम से आप इसे शोल्डर पे भी आप इसे लगा के आप लेके जा सकते हो, तो भाई ये अच्छा हो जाता है। ये एक अच्छा एक कैरिंग केस का काम करता है। यहाँ पे हमें ये कोडैक का लोगो मिल जाता है एंड दिस इज़ अ स्टिच्ड स्टिकर। तो भाई मतलब ये पूरा स्टिच किया हुआ है प्रॉपरली। इसका जो मटेरियल एंड क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, बट मैं ऑब्वियसली इसे ट्राई एंड टेस्ट नहीं करूँगा, बट ठीक है। मतलब इसका मटेरियल उस तरीके से है कि जैसे हमारे जो रेनकोट्स वगैरह आते हैं ये थोड़ा उस टाइप का मटेरियल है। तो अब हम इसे ओपन कर देते हैं, देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो ये हमने इसके जिप, ये यहाँ पर जिप दी हुई है, हमने इसे कर दिया ओपन। इस कवर को हम साइड में कर देते हैं। अब इसको ओपन करें, ये आता है ये एक नॉर्मल प्लास्टिक पैकेजिंग में। अब ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है ये मिल जाता है, दिस इज द मोबाइल फोन केस होल्डर जिसे कहा जाता है मोबाइल फोन होल्डर यार, ठीक है। तो ये देखे नाउ, ये इसकी कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। द क्वालिटी इज़ गुड। यहाँ पे हमें ग्रिप दी गई है एंड यहाँ पे भी ग्रिप है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये पूरा आप जितना चाहो उस हिसाब से आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो। तो इसको भी हम साइड में कर देते हैं पहले। सो नाउ कमिंग टू द मेन हीरो, ये है अपना कोडैक T210 ट्राइपॉड। ये नीचे से हम शुरू करें तो यहाँ पे ये हमें रबराइज इसके लेग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नीचे ग्रिप भी है। तो इसको जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये जो है ये इस तरीके से कुछ इसमें ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो भाई ये तीनों जो है वो अपने हिसाब से, अगर यू नो आपके जो फ्लोर है अगर वो फ्लोरिंग अगर थोड़ी सी इम्बैलेंस भी है तो भी ये मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना तो आप इस लेग को ऐसे एकदम ये ओपन कर सकते हो, ठीक है। सेम तरीके से आप ये वाले ब्रैकेट को भी ओपन करके इसे यूज़ कर सकते हो।
जब आप इसे प्रैक्टिकली आप इसे परचेज करोगे तो आप जब इसे ऐसे यू नो आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपको एक एक लैग्स ओपन करना है। यहाँ पे हमें कोडैक T210 ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो भाई अगर आप कभी कोई ऐसे ये ट्राइपॉड परचेज करो और उस पर ये नहीं लिखा है तो समझ जाना कि वो डुप्लीकेट है। मतलब भाई अगर आप कोई लोकल शॉप्स वगैरह से ख़रीद रहे हो तो ऐसे इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो, इसके साथ ये है हमें कोडैक का ये ट्राइपॉड T210 का ये लेबल भी मिल जाता है। अब इसके आगे अगर बात करें, थोड़ा सा ऊपर आए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ओपन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये जो दिया है भाई, ये कोई काटा नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है कि जब आप इसको ऐसे खड़ा करोगे ना, जब इसे यूज़ करोगे तो क्या होने वाला है, दैट व्हेनेवर यू यूज़ योर स्मार्टफोन्स या DSLR आप यहाँ पे ऊपर अटैच करते हो मोबाइल फ़ोन होल्डर की जगह पे, तो यहाँ पे ना नीचे आप कोई भी वेट आप पुट ऑन कर सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर आप प्लास्टिक बैग हो या कुछ भी कोई भी चीज़ में जिसमें आप उसमें थोड़ा सा वेट डाल के आप यहाँ पे उसको लटका दीजिए, इससे क्या होगा कि ये जो इसका जो बैलेंस है ये एकदम परफेक्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा बट इसका यूज़ ये है ताकि ये जो सेंटर से जो बैलेंस है ये इसका एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड रहता है। अब अगर बात करें इसके जो लेग्स है तो ये है ना, ये आवाज़ सुनिए, ये एक अच्छे बढ़िया टाइप के मेटल वाले लेग्स है। तो भाई जिसकी वजह से इसकी जो स्टर्डीनेस है ये काफ़ी बढ़िया है, इसकी जो फिनिशिंग है ये पूरी की पूरी मैट फिनिशिंग है। यहाँ पे हमें ये रबराइज ग्रिप मिल जाती है, तो इसको इस तरीके से पकड़ के आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया ग्रिप है। यहाँ पे ग्रिप के ऊपर भी अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ये देखिए, ये कोडैक लिखा हुआ है। सो दिस इज़ वॉट प्रूव्स दैट दिस इज़ अ प्योरली ओरिजिनल ट्राइपॉड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पता लगेगी जब आप इस चीज़ को खरीदोगे। एंड यस, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है देन डेफिनेटली आप जो भी आप 999 rupees आप इस पर स्पेंड भी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको चीज़ क्या मिलने वाली है, करेक्ट। अब यहाँ पे ये आप जो ये ग्रीन देख रहे हो, दिस इज़ अ वाटर लेवल मार्क। सो बेसिकली अगर आप इसे ऐसे स्ट्रेट आप इसे ऐसे करोगे तो ये सेंटर में होना चाहिए। दिस मीन्स दैट आपका जो बैलेंस है ज़मीन पे वो अब सही हो गया है। अगर थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस भी था तो ये परफेक्ट हो गया है, आपके जो वीडियोस है वो परफेक्टली क्लियर आएंगे। तो अब बात करें इसके ये वाले हिस्से की, मतलब कि ये जो इसका सबसे जो मेन पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे मैं आपको ये इसके ये रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भाई अगर आपका कोई छोटा यूट्यूब चैनल है या आप कोई स्टार्टर ही हो यूट्यूब चैनल के एंड आप अपने यूट्यूब चैनल को मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना चाहते हो, आई कैन टेल यू समथिंग कि ये मुझे काफ़ी स्टडी लग रहा है, ये आपका साथ लंबे टाइम तक देगा ऐसा मुझे ये डेफिनेटली इसकी ये स्टर्डीनेस से लग रहा है। क्योंकि भाई मैंने खुद ने काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स देखे हैं जहाँ पे या तो उनके लेग्स वॉबल करते हैं या प्योर प्लास्टिक के होते हैं जिसमें मज़ा नहीं आता, उनको छूते ही समझ में आ जाता है कि भाई पैकेजिंग तो बहुत बढ़िया होगी लेकिन अंदर ये जो स्टफ़ है ये जो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे फिर गड़बड़ दिखनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे मुझे अब तक कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो अब यहाँ की अगर बात करें, ये आपको दिया जाता है, दिस इज समथिंग, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ओपन करके आपको ट्राई करता हूँ शो करने की, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, इसको आप इस तरीके से आप ऐसे ओपन कर सकते हो। तो ये आप जैसे ही आप इसको ऐसे सेट करते हो, अब आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से घुमा के भी आप इस हेड को और यहाँ से लेंदी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो है इससे आप ये वाली मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हो एंड इससे आप ये जो हमें जो ये लीवर दिया गया है इससे भी आप ये सारी मूवमेंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये आपको जो यहाँ पे जो आपको हमें जो मोबाइल फ़ोन होल्डर जो दिया गया है उसे हमें यहाँ पे लगाना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से हम इसे इस नॉब को ऐसे ओपन करेंगे एंड ये जो हमें दिया गया है, अब इस पर चलो हम पहले मोबाइल फ़ोन होल्डर लगा देते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया है ये इसका जो स्क्रू है इसको आपको ऐसे नीचे से यूँ पकड़ना है एंड बस आप इस तरीके से ये मोबाइल फ़ोन होल्डर लगा दीजिए। अब मैंने आपको पहले भी नहीं बोला था कि काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स में मोबाइल फ़ोन होल्डर नहीं मिलता, तो भाई नहीं मिलता फिर आप कोई थर्ड पार्टी या बाहर से ख़रीदो जो अगेन अगर सही क्वालिटी के नहीं है तो आपको इसमें फ़िटिंग में दिक्कत आ जाए। नॉर्मली इसके यूनिवर्सल फिटिंग होती है बट अगर दिक्कत आ जाए तो मज़ा नहीं आती। जो कंपनी भेजती है वो सबसे नॉर्मली हर चीज़ बेस्ट होती है यार, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आप इसको ऐसे फिट कर दीजिए एंड बंद कर दीजिए। अब आपको आपका मोबाइल फ़ोन बस यहाँ पर अटैच करना है एंड आप इसे यूज़ करना शुरू कर सकते हो। अब इसकी अच्छी बात, बढ़िया बातें मुझे क्या लगी, वो ये कि सबसे पहली बात मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, सेकेंड चीज़
कि भाई ये ओरिजिनल है, इसका आप पता नॉर्मली आप इन लोगों से लगा सकते हो काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स पे, कंपनी का नाम कुछ भी दिया हो लेकिन आपको कहीं पे भी उसकी ब्रांडिंग नज़र नहीं आती, जिससे आपको पता नहीं चलता कि भाई ये चीज़ उसी कंपनी की है या नहीं। थर्ड थिंग, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, मोर देन 5 feet आपको ये ओपन करके यूज़ करने मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। फोर्थ थिंग, इसमें ये जो सारे जो कंट्रोल दिए हैं, ये जो 3-way पैन मूवमेंट दिया था वो यही है कि आप ये भी एक्चुअली एक लीवर है, तो इससे ये एक लीवर है, ठीक है, फिर ये वाला एक लीवर है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का फैक्टर मिल जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से इसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी है, इनफैक्ट ये भी एक, ये देखिए ये भी एडजस्ट हो सकता है, तो इसमें आप इतना बढ़िया एडजस्ट कर सकते हो। आप ये समझ लो कि अगर आपके पास कोई गिम्बल नहीं है तो ये आपका मैनुअल गिम्बल की तरह काम करता है। अब मैंने इसे गिम्बल क्यों बोला, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली अगर गिम्बल होता है तो डेफिनेटली वो बहुत एडवांस चीज़ है, वो 11-12 हज़ार के नीचे नहीं आती। एक अच्छा गिम्बल लेने जाओ तो महंगा आता है, ठीक है, मोर देन 10,000 आपका स्पेंड हो जाता है, बट यहाँ पे इसको आप ऐसे पकड़ के भी आप इजीली आप अच्छे से आप वीडियो शूट कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको अगेन कोई नहीं बताएगा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इससे, अगर मेरे फ़ोन में एक अच्छा OIS है तो मैं इसका यूज़ करके, अगर EIS भी होगा मेरे फ़ोन में बैक कैमरा में, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, तो वीडियो करते टाइम मैं इसको ऐसे पकड़ के भी मैं अच्छे से मैं वीडियोज़ में शूट कर सकता हूँ। Although अगर मैं व्लॉगिंग करनी है तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट येस यू कैन मैनेज विद दिस वन, यू कैन रियली मेक गुड वीडियोज, गुड स्टिल वीडियोज, क्योंकि भाई अगर आप इसे सामने यू नो स्टैंड करते हो एंड भाई उस पर आप इसका यूज़ कर रहे हो मोबाइल एंड ऑल, देन येस दिस इज़ समथिंग जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो दोस्तों मेरा फाइनल रिव्यू यही है कि इफ़ यू गेट दिस थिंग अंडर ₹1,000 तो भाई 999 का मिले या जो भी प्राइस पे आपको मिल जाए, यू कैन एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। मुझे नहीं लगता कि ट्राईपॉड जैसी चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, बट जब आप खर्चा करते हो तो आप ऐसी ब्रांडेड वाली चीज़ लो, दिस इज़ वॉट मैटर्स। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये T210, ये जो कोडेक का जो ट्राईपॉड है, क्या आपने इसे कभी यूज़ किया है, या फिर क्या आप कोई और ट्राईपॉड यूज़ करते हो जो इससे शायद और थोड़ा कम दाम में मिल जाए और इससे और भी ज़्यादा बेटर हो, मतलब कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी हो। अगर ऐसा कोई भी ट्राईपॉड है तो आप वो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी जो टेक विद अंकुश फैमिली है हम सब की मदद हो सके, या अगर कोई है जिनको न्यू YouTube चैनल शुरू करना है या वो कोई ट्राईपॉड ढूंढ रहे हैं तो भाई ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इस ट्राईपॉड की बाइंग लिंक्स Flipkart की एंड Amazon की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हो, आप इसे चेकआउट भी कर सकते हो।